आप सभी गायत्री परिवार और आर्योग भारती के सभी सदस्यों को महात्मा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय में सभी लोगों का स्वागत है। 2021 को आरोग्यम भारती और गायत्री परिवार की तरफ से 101 पौधों के वृक्षारोपण के लिए MGM कॉलेज नीमखेड़ा जबलपुर में यह कार्यक्रम कराया गया। इसके प्रधान संयोजक श्री ओंकार जी रजक थे और इस कार्यक्रम के अध्यक्षता श्री रमेश कुमार सुलखिया और श्री तिवारी जी ने उद्घोषण भाषण के पश्चात इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। विधिवत रूप से पौधों की पूजा की गई और सभी साथियों ने मिलकर के करीब 45 के एक आसपास सदस्यों ने मिलकर के 101 पौधों का वृक्षारोपण किया। उन सभी के लिए जिला संयोजक प्रांतीय संयोजक श्री ओंकार जी रजक सहदिल से आभारी हैं। इस वीडियो में आप देख रहे हैं आरोग्य भारती के बैनर के तले गायत्री परिवार के सारे सदस्य यहां उपस्थित हैं और वे वृक्षारोपण के लिए यहां से जा रहे हैं। मैं वृक्षारोपण की छोटी छोटी क्लिप आप तक भेजता रहूंगा। ये 101 वृक्षारोपण का कार्यक्रम गायत्री परिवार और आरोग्यम भारती के सौजन्य से MGM कॉलेज नीमखेड़ा में संपादित किया जा रहा है। ये देखिए, आप गायत्री परिवार और आरोग्यम भारती के सदस्य एक एक पौधे लेकर के और उन्हें वृक्षारोपण के लिए तैयार कर रहे हैं। आप वीडियो में देख रहे हैं, ये सभी सदस्य एक एक वृक्ष अपने हाथों में लेकर के वृक्षारोपण के कार्यक्रम को संपादित कर रहे हैं। यहाँ बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी सदस्य, गायत्री परिवार और आरोग्यम भारती के सदस्य वृक्षारोपण के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। गायत्री परिवार का वाहन भी यहाँ आया हुआ है जिसमें पौधे लाए गए थे। 101 पौधे लाए गए थे आरोग्यम भारती के। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, सभी बच्चे और गायत्री परिवार और आरोग्यम भारती के सदस्य एक एक पौधा अपने हाथों में लेकर के उसे वृक्षारोपण के रूप में लगाने के लिए तैयार खड़े हैं। वे सभी एक जगह इकट्ठे हो गए हैं। गायत्री परिवार और आरोग्य भारती के सौजन्य से ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम MGM कॉलेज में नीमखेड़ा में आयोजित किया जा रहा है। आप सभी लोग बड़े ध्यान से देखिए, गायत्री परिवार और आरोग्यम भारती के सौजन्य से कुछ कुछ लोगों का और इंतजार हो रहा है। कुछ पौधे और लेकर के लोग आ रहे हैं, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं, पहले से ही इन्होंने गड्ढे खोद के रखे गए हैं और एक एक पौधा लगाने के लिए सभी को दिया गया है। आप देख रहे हैं सभी लोग ये पौधे लगा रहे हैं। मैं क्रमशः एक के बाद एक आपको बताते चलता हूँ। ये देखिए, वहत कार्यक्रम, बहुत सारे लोग ये वृक्षारोपण का कार्य कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम, ये सभी लोग लगा रहे हैं, वृक्षारोपण कर रहे हैं। पहले से ही यहाँ पर वृक्षारोपण के लिए गड्ढे खोद दिए गए थे और उन्हें पौधा लगाने के लिए सम्मिलित किया गया था। ये देखिए, इन्होंने पहले से ही गड्ढा खोद के रखा हुआ था और उस पर ये अपना प्लांटेशन कर रहे हैं।
आप ध्यान रखिए, ये देखिए वृक्षारोपण का ये कार्यक्रम कॉलेज प्रांगण के बाहर तक भी किए जाने का प्रावधान रखा गया है ताकि वहां पर अत्यधिक रूप से हरियाली का समावेश किया जा सके। ये देखिए प्रोमाइसिस के बाहर यानी महात्मा गांधी मेमोरियल होम्योपैथी कॉलेज के बाहर भी वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है। इसमें महिलाओं ने भी सतर्क रूप से इसमें भाग लिया है और गायत्री परिवार की ये महिलाएं यहाँ पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम कर रही हैं। ये देखिए ये आरोग्यम भारती के मध्य प्रदेश के संयोजक हैं डॉक्टर सुलकिया और ये आरोग्यम भारती के सौजन्य से गायत्री परिवार की एक महिला सदस्य वृक्षारोपण का कार्यक्रम कर रही हैं। आप स्पष्ट वीडियो में देख रहे हैं वो वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है। आरोग्यम भारती और गायत्री परिवार की ओर से यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। ये देखिए प्रोमाइसिस के बाहर महात्मा गांधी कॉलेज प्रोमाइसिस के बाहर ये देखिए बोर्ड लगा हुआ है। ये गायत्री परिवार के सदस्य और सारे लोग बच्चे जो गायत्री परिवार की तरफ से आए हुए हैं वो यहाँ वृक्षारोपण कर रहे हैं। प्रोमाइसिस के बाहर 101 वृक्षारोपण करने का कार्यक्रम यहाँ लक्ष्य रखा गया है। ये देखिए सभी लोग यहाँ वृक्षारोपण में व्यस्त हैं, गायत्री परिवार के सदस्य और आरोग्यम भारती के लोग। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, पौधे लगाने के लिए शुक्रिया। ये ओंकार जी राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ वृक्षारोपण का कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। देखिए आरोग्यम भारती के सक्रिय कार्यकर्ता ओंकार प्रसाद जी। कुछ पौधे लगाने के लिए जगह की खोज की जा रही है, शायद गड्ढों की संख्या कम पड़ गई है। ये MGM कॉलेज का प्रवेश द्वार, ये MGM कॉलेज होम्योपैथी कॉलेज टीमखेड़ा, यहाँ वृक्षारोपण के कार्यक्रम को ये उसका बाह्य स्वरूप जहाँ एक तालाब है और ये आरोग्यम भारती के सदस्य वृक्षारोपण करते हुए नीम आम आंवला बरगद पीपल इमली ऐसे कई प्रकार के पौधों को यहाँ बड़े बड़े पौधों को यहाँ लगाया जा रहा है। जामुन आम बिही अमरूद आंवला सभी प्रकार के पौधों को यहाँ रोपित किया जा रहा है आरोग्यम भारती और गायत्री परिवार के सौजन्य से। ये देखिए गायत्री परिवार की सक्रिय सदस्यों के द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम यहाँ भी MGM प्रोमाइसिस के बाहर किया जा रहा है। पूरी तन्मयता और यहाँ लगा दो आप लगाओ ना। लगाई लगाई ठीक है सर। अरे सर मैं इंक्लूड हो जाऊंगा, आप चिंता ना करें। ये प्रोमाइसिस के बाहर वृक्षारोपण का कार्यक्रम अभी भी लगातार चालू है। आम जाम जामुन बरगद पीपल नीम सभी प्रकार के पौधे यहाँ 101 प्रकार के पौधे लगाए गए हैं जो आप देख रहे हैं गड्ढा करने के बाद और लगाए जा रहे हैं।
ये MGM कॉलेज के प्रमुख प्रवेश द्वार, गायत्री परिवार के बहुत सारे सदस्य एक जगह इकट्ठा हैं पौधों के साथ। आपको दिखा रहा हूँ मैं MGM कॉलेज के बहुत सारे सदस्य यहाँ उपस्थित हैं और गायत्री परिवार के लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं और भी पौधों का वो वहाँ वृक्षारोपण करेंगे। ये सभी गायत्री परिवार के सदस्य MGM कॉलेज का प्रवेश द्वार, सभी सदस्य बाहर वृक्षारोपण करने के बाद अंदर की तरफ अपना और पौधे लगाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ये वहाँ के स्टूडेंट जो होम्योपैथी की शिक्षा लेने आए हैं यहाँ से अपना, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। अभी आपका इंटरव्यू लेता हूँ, करता हूँ। ये देखिए महिला सदस्य भी काफ़ी जोश और खरोश के साथ इस प्रोग्राम में शामिल हैं। मैं दिखाता हूँ, ये देखिए डॉक्टर रमेश लकिया पूरी मेहनत करते हुए हैं। नमस्कार सर, मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। नारायण बाथरे जी, आप? अच्छा अच्छा, आप आरोग्यम भारती के? आरोग्य भारती में मैं 5 साल से हूँ। जी जी जी। और आरोग्य भारती बहुत अच्छे काम करा रही है। जी जी। अच्छा, वृक्षारोपण तो आज की डेट में कम से कम 2000 के ऊपर हो चुके हैं। ओ जी, बहुत अच्छा। और उसके बाद क्या है, गायत्री परिवार भी ये काम करा रही है जी, और बहुत सी संस्थाएं हैं, वो सब मिलके वो अच्छा काम कर रहे हैं। और वृक्षारोपण एक बहुत ही अच्छा काम है जी जी, जिसमें कि अपने पूर्वजनों को आप वृक्ष कर लगाएंगे जी, तो आज हम लगाएंगे तो हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो उसका उपयोग करेगी, और हम जो हमारे पूर्वजों ने लगाए हैं वो हम कर रहे हैं, उसी को देखते हैं। बहुत अच्छा प्रेम नारायण जी, आप अपना अधिकतम रिटायरमेंट का समय आरोग्यम भारती के लिए समर्पित हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वृक्षारोपण की सफलता में आपका हाथ है, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पी चंद्रवंशी आपको नमस्कार करता है, प्रणाम स्वीकार करें। मैडम जी आपको सादर प्रणाम जी। नमस्कार। नमस्कार, मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। मैं श्रीमती संध्या कनौजिया, आरोग्य भारती परिवार से। जी जी जी। और आप आरोग्यम भारती परिवार से कब से जुड़ी हुई हैं? सर मुझे आरोग्य भारती परिवार से जुड़े हुए लगभग 3 साल हो चुके हैं। हाँ जी जी। और ये जो विश्व राष्ट्रीय स्तर की संस्था कार्य कर रही है जी जी जी, उसी के तहत आज यहाँ वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमने 101 वृक्षों का टारगेट रखा था कि हम यहाँ रोपित करेंगे जी। आरोग्यम भारती के विषय में आपके क्या विचार हैं? सर जो आरोग्यम भारती है वो बहुत ही उत्कृष्ट संस्था है, जो कि मानव सेवा को सर्वोपरि रखते हुए काफी सारे कार्य कर रही है जी। और आगे भी इसका लक्ष्य है कि जितना भी सेवा कार्य हो इसके सदस्यों द्वारा वो समय समय पर किया जाए। अच्छा मैडम, और आरोग्यम भारती से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ और आरोग्यम भारती की तरफ से आपको नमस्कार करता हूँ। आप इसी तरह से सक्रिय रूप से कार्य करते रहिए। धन्यवाद, मैं जरूर अपना समय देने की। ये गायत्री परिवार की सबसे छोटी सदस्य आज यहाँ MGM कॉलेज में वृक्षारोपण का कार्यक्रम कर रही है। आप लोग देखिएगा इसको, देखिए ये उसके भाई बहन है 2-3 ठो, और ये बड़ी गर्व की बात है कि एक छोटा बच्चा पर्यावरण को लेकर के इतना सतर्क है। और हम सभी से यही कहना चाहेंगे कि ये छोटे बच्चे से प्रेरित होकर के हम सभी लोग अपने घर के चारों तरफ वृक्षारोपण के कार्यक्रम को संपन्न करें। पूरे बेटे पूरे पूरे, ये देखिए वो अपने हाथ से जो है वो, ए बेटी ये आरोग्यम भारती के सबसे छोटे से छोटे सदस्य हैं और गायत्री परिवार की तरफ से आज खुद ही एक नन्ना पौधा है। डॉक्टर रमेश सुलकिया के हिसाब से वो एक नन्ना पौधा है और वही पौधा वृक्षारोपण में देखिए वो खुद ही मट्टी उठा उठा के डाल रहा है। तो उसकी उम्र के साथ वो पौधा भी बढ़ेगा। गायत्री परिवार के ये नन्ने नन्ने सदस्य वृक्षारोपण करते हुए MGM कॉलेज में, इन सभी लोगों को आरोग्यम भारती की तरफ से सैल्यूट, सलाम, नमस्कार। हम इस वक्त डॉक्टर रमेश सुलकिया जो प्रदेश मध्य प्रदेश और जबलपुर के अध्यक्ष हैं, कार्यकारिणी
अध्यक्ष हैं और वृक्षारोपण के सभी कार्यक्रमों को ये देखते हैं। डॉक्टर रमेश सुलखिया एक समाज सेवी भी हैं, मैं आपको इनसे रूबरू करा रहा हूँ। ये आरोग्यम भारती के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आरोग्यम भारती में जुड़कर आपको क्या महसूस हो रहा है? आरोग्य भारती में हमें बहुत कुछ मिलता है, एक समाज सेवा, सबसे बड़ी समाज सेवा, एक गरीब की सेवा, समाज सेवा, और जो निर्दय, जो हम लोग जितना अच्छा कर सकते हैं। हमारा एक उद्देश्य है आरोग्य भारती, इसका मतलब है बिना दवा के रोग को ठीक करना या बीमार ना होना। ऐसी कोई अपन दिनचर्या हो, समय पे खाना, समय पे गर्म पानी पीना और समय पे उठना सोना, ये हमारी दिनचर्या, इससे हम बीमार नहीं होते। आरोग्य भारती का मेन मकसद यही है कि कोई बीमार ना हो तो दवा की जरूरत ना पड़े, ना डॉक्टर की जरूरत पड़े। अच्छा, पहले से स्वस्थ रहना। जी डॉक्टर साहब, आज का जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम है, इस विषय पर आपके क्या विचार है? ये वृक्षारोपण हम हर साल कराते हैं, आरोग्य भारती के काम है, ये भी एक समाज सेवा में आता है। निरोग रहे इसके कारण पौधों को लगाया जाता है कि हमारे जलवायु में पौधों का ज्यादा पौधे हों, जिससे हमें ऑक्सीजन अच्छी मिले। ये भी एक आरोग्य भारती का ऑक्सीजन लेवल बराबर पृथ्वी में बना रहे, एक वृक्षारोपण का कार्य किया जाता है, ये भी हमारे आरोग्य भारती में एक छोटी सी शामिल है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आज के 101 वृक्षारोपण कार्यक्रम को आपने सफल किया। आरोग्यम भारती संस्था आपको नमस्कार करती है। मैं पी चंद्रवंशी आपका स्वागत करता हूँ और नमस्कार करता हूँ। आरोग्यम भारती और गायत्री परिवार के साझा सौजन्य से महात्मा गांधी होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालय गौर तिराहा नीमखेड़ा में 101 वृक्षों का वृक्षारोपण संपन्न किया गया। इस कार्यक्रम में महाकौशल प्रांत के प्रांतीय योग प्रभारी श्री ओंकार रजक जी के संयोजन में और प्रांतीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमेश सुलखिया जी की मुख्य अतिथि में यह प्रोग्राम आयोजित किया गया। गायत्री परिवार की तरफ से यज्ञाचार्य जी श्री प्रेम शंकर जी तिवारी द्वारा संपूर्ण वृक्षों का गायत्री मंत्रों के द्वारा पूजन किया गया और उसके पश्चात उनका प्लांटेशन यानी वृक्षारोपण पूरे प्रांगण में किया गया, प्रांगण के बाहर भी किया गया। इस आयोजन में महाविद्यालय के श्री नारायण रजक, श्री कमल राय, श्री संतोष रजक, श्री राजपूत जी, श्री वंदन जी, श्री महेश जी, श्री नीरज गुप्ता जी, श्री यशवंत ठगेले जी, बलवंत जी, श्री नन्हीलाल जी, श्री सुरेश भगोरिया जी, डॉक्टर रमेश जी रजक और श्री जी आर डी रजक, डॉक्टर के गर्ग, श्री पी एस चंद्रवंशी, श्री अनिल रजक, श्री अजय मीणा, श्री दीप्ति मिश्रा, श्री लक्ष्मी, श्री ज्योति जी और श्रीमती संध्या कनौजिया, आलोक वर्मा, मधु वर्मा, राजकुमार विश्वकर्मा एवं प्रेम नारायण बाथ जी की उपस्थिति अनिवार्य रूप से रही और उनका सहयोग सराहनीय रहा। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए संयोजक श्री ओंकार जी रजक ने सबके प्रति आभार व्यक्त किया है। आप सभी लोगों को सादर प्रणाम, आप सभी लोगों को गायत्री परिवार की तरफ से और आरोग्यम भारती की तरफ से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।